नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे सुनहला रत्न के बारे में। सुनहला रत्न धारण करने से व्यक्ति के अंदर रचनात्मक कार्यों को करने की रुचि बढ़ती है, ऐसे में कैरियर वृद्धि होती है। यह रत्न व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक वातावरण बनाता है और नकारात्मकता को दूर करता है। सुनहला रत्न धारण करने से आर्थिक संकट से छुटकारा मिल जाता है और यह बड़ा ही चमत्कारी रत्न है। सुनहला रत्न पुखराज का उपरत्न है। इस रत्न को धारण करने से आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है। कुंडली में मौजूद नवग्रहों के अलग अलग स्थितियां होती हैं जो 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से असर जरूर डालती हैं। ऐसे ही हर ग्रह के अलग अलग रत्न और उपरत्न हैं जिन्हें धारण करके व्यक्ति ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम कर सकता है और इन्हीं रत्नों में एक है सुनहला रत्न जो पुखराज का उपरत्न है और गुरु को सपोर्ट करता है। तो सुनहला रत्न धारण करने से आपको क्या लाभ मिलेगा और इसे धारण करने का विधि विधान क्या है, इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की बटन को सेलेक्ट करना न भूलिए। ज्योतिष से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान यदि आप चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना है, कुंडली विश्लेषण करवाना है या रत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सुनहला रत्न को स्वास्थ्य और धन दोनों के लिए बेहतरीन रत्नों की श्रेणी में रखा गया है। इस रत्न को धारण करने से जीवन में धन और भाग्य की कमी नहीं होती है और इसके साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ता है। सुनहला पत्थर का संबंध सौर जाल चक्र से है। यह वह चक्र है जो आत्म छवि और आत्मविश्वास को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही इस रत्न को धारण करने से अनेकों लाभ आपके जीवन में मिलेंगे। आपके चक्र संतुलित रहेंगे, इसके साथ ही समग्र विकास में मदद करेंगे। दिल से संबंधित बीमारी का बचाव होगा, साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम भी आपकी मजबूत बने रहेगी। इस रत्न को धारण करने से व्यक्ति के अंदर रचनात्मक कार्यों को करने की रुचि बढ़ती है, ऐसे में करियर वृद्धि होती है और यह चारों ओर से सकारात्मक वातावरण का एक घेरा बनाता है जिससे आपके जीवन से जुड़ी हर नकारात्मकता दूर हो जाती है। इसे आप सोने में भी बनवा सकते हैं, चांदी में भी बना सकते हैं, पीतल में भी बना सकते हैं और इसे आप तर्जनी अंगुली में धारण करके यानी कि इंडेक्स फिंगर में आप इसे पहने। और यह धनु और मीन राशि के लिए तो सबसे ज़्यादा लाभकारी माना गया है। मेष कर्क वृश्चिक राशि के लोग भी इसे धारण कर सकते हैं। सिंह राशि के लोग भी इसे विशेष परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं और इसे गुरुवार को धारण करना सबसे ज़्यादा लाभकारी माना गया है। गुरुवार को ही इसे धारण करना है। अंगूठी या लॉकेट बनाने के बाद गंगा जल, दूध, घी, शहद और तुलसी में डालने के बाद रात भर इसको छोड़ दीजिए और सुबह इसको दिया वगैरह दिखा करके धूप दीप ओम ग्रां ग्रीं ग्रूम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करके और इसे आप दाहिने हाथ की तर्जनी में या लॉकेट बना करके धारण करें। आपके जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं का निवारण यह रत्न कर देगा। बड़ा ही चमत्कारी और बड़ा ही लाभकारी वो रत्न है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक एक कमेंट करना। धन्यवाद।